सो अ डेजर्ट इज़ एन एरिया दैट रिसीव्स अ वेरी लेस रेनफॉल. जिन एरियाज में बहुत लेस रेनफॉल होता है, विच मीन्स लेस रेनफॉल विच मीन्स जिस एरिया में पर ईयर 25 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, दैट प्लेसेस आर नोन एज डेजर्ट्स. बोथ द हेमिस्फेयर्स ऑफ अर्थ जिसमें डेजर्ट मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ, राइट. हेमिस्फेयर्स मीन्स अगर दिस इज अर्थ, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, एंड अर्थ को हम बीच से अगर डिवाइड करते हैं, दिस इज नोन एज इक्वेटर, जो आप पहले अपनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट. यहाँ से 30 डिग्री अगर हम माने, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 30 डिग्री ही साउथ की तरफ, इस बीच के रीजन में आपको यहाँ पर डेजर्ट्स मिलेंगे, बिकॉज सन रिवॉल्व्स इक्वेटर के, बिकॉज इक्वेटर ही वो इमेजिनरी लाइन है जहाँ जो सन, जिसके ऊपर सन का सबसे ज़्यादा प्रेजेंस होता है. सन के आसपास जब अर्थ घूमती है तो इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर से ही सन होके गुजरता है, इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर से. अब जिस एरिया में सन और सनलाइट ज़्यादा होगी वो एरिया हॉट होगा, और उस हॉट रीजन के, उस हॉट सन की हॉटनेस के कारण पूरा वो एरिया हॉट रीजन कहलाएगा. इसीलिए जहाँ पर कम रेनफॉल होता है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है विच इज़ 15 एंड 30 डिग्री फ्रॉम द इक्वेटर टू नॉर्थ, और यहाँ से 15 टू 30 डिग्री टू साउथ, इस एरिया के बीच में ही आपको डेजर्ट्स मिलेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. सो अब आप समझ गए होंगे हॉट डेजर्ट्स कहाँ मिलते हैं. हॉट डेजर्ट्स आर दोज एरियाज दैट आर फाउंड बिटवीन 15 डिग्री एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अर्थ को बिल्कुल बीच से जो इमेजिनरी लाइन डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, वो कहलाती है इक्वेटर. और जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है, मतलब नॉर्थ का आधा भाग, ये वाला नॉर्थ हिस्सा, नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो लाइन इसको बराबर बांटती है, दिस इज़ नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड इस आधे भाग को, अर्थ के इस आधे भाग को जो बीच से डिवाइड करती है लाइन, राइट, दिस इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक. तो इस लाइन के बीच में या नियर बाय जो एरिया होता है, दैट इज नोन एज, यहाँ पर ही डेजर्ट फॉल करेगा, बिकॉज ये इक्वेटर से बहुत नियर बाय है. एंड इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जिस पे सन और अर्थ रिवॉल्व करती है, और सन इसी लाइन पे लाई करता है, राइट. देर इज वेरी लिटिल मॉइस्चर इन द एयर इन डेजर्ट. डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर टेंड टू बी कोल्ड, विच मीन्स कि जो हवा है उसमें जो हल्का सा मॉइस्चर होता है, जैसा मौसम अभी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जिस तरह का मौसम अभी है ऐसा डेजर्ट में हमेशा रहता है. एंड जो डेज होते हैं, डेज में क्योंकि गर्मी, डेज बड़े होते हैं, दिन बड़े होते हैं और उसमें गर्मी भी ज़्यादा होती है, इसीलिए डेज बहुत हॉट होते हैं, एक्सट्रीमली हॉट होते हैं. एंड जो नाइट्स होती हैं वो ठंडी होती हैं बिकॉज ऑफ द सैंड, क्योंकि सैंड जल्दी गर्म होके जल्दी ठंडी भी हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैट सैंड डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड द नाइट्स आर टेंड टू बी कोल्ड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. तो वहाँ पर डेजर्ट्स में क्लाइमेट कैसा होता है, स्पेशली हॉट डेजर्ट्स में कैसा क्लाइमेट होता है.
Deserts are the hottest region on earth. They have extreme weather conditions with scanty rainfall. In some deserts, such as the Sahara Desert, it does not rain for years. कई सालों तक deserts में, जैसे Sahara Desert है, ऐसे deserts में कई सालों तक बारिश नहीं होती है. इसी वजह से वहाँ पर जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, वो एक्सट्रीमली ड्राई होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है, और वहाँ पर वेजिटेशन, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी उसी तरह के उगते हैं. ठीक है, सालों तक अगर कहीं बारिश नहीं होगी तो आपको पता ही है कि वो जगह पूरी सूख जाएगी. द टेम्परेचर इज़ हॉट. डेजर्ट्स आर अमंग द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड. ड्यूरिंग द टेम्परेचर In the hot deserts are among the highest in the world. During the day it is very hot and temperature can go up to 50 degrees Celsius. So, जो days होते हैं वो बहुत extremely hot होते हैं and 50 degrees Celsius से भी ऊपर temperature कभी कभी चला जाता है यहाँ का. ठीक है, temperature at nights can fall down to 10 degrees Celsius even in summers. सो समर में, गर्मियों में भी जो रातें होती हैं वो इतनी ठंडी होती हैं कि वो 10 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है. मतलब रातें ठंडी होती है, रात को बहुत ठंड हो सकती है, गर्मियों में भी रातों में बहुत ठंड हो सकती है, और जो दिन होते हैं, डेज होते हैं, वो बहुत ही गर्म, एक्सट्रीमली हॉट होते हैं. राइट, सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लाइफ इन द रीजन. सबसे पहले हम यहाँ के वेजिटेशन और प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स की लाइफ इस रीजन में कैसी होती है, किस तरह के प्लांट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे. द प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट, इन डेजर्ट्स आर वेल अडेप्टेड विदस्टैंड द एक्सट्रीम क्लाइमेट. दे आर मोस्टली फाउंड विद अ लॉन्ग रूट सिस्टम दैट पेनिट्रेट डीप इन साइड द सर्फेस इन सर्च ऑफ वाटर. मीन्स जो प्लांट्स हैं वो हमारे यहाँ जैसे प्लांट्स नहीं होते हैं नॉर्मली. ठीक है, यहाँ के प्लांट्स अपने आप को अडेप्टेशन कर लिया है उन्होंने. साइंस में आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, अडेप्टेशन. तो जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स ने अपने आप को बदल लिया है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उनके स्टेम्स ने अपने आप को बदल लिया है एटमॉस्फेयर के हिसाब से. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कैक्टस प्लांट के बारे में पढ़ा होगा. कैक्टस का जो प्लांट है उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. उसका जो ग्रीन कलर का पत्ते वाला हिस्सा जैसा आपको दिखता है, पत्ते जैसा, दैट इज़ एक्चुअली स्टेम. और जो उसके पत्तियां होती हैं पेड़ की, उस पौधे की जो पत्तियां होती हैं, दैट कन्वर्टेड, वो जो लीव्स हैं वो एक्चुअली, वो जो कन्वर्टेड थॉर्न्स हैं, जो उसके अंदर कांटे लगे होते हैं, दैट आर कन्वर्टेड लीव्स. सो प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है ताकि वो इस एक्सट्रीम क्लाइमेट के साथ में अपने आप को ज़िंदा रख सकें. ठीक है, और जो रूट्स होती हैं, उन रूट सिस्टम्स ने अपने आप को पेनेट्रेट कर लिया है. मतलब बहुत ही अर्थ के अंदर तक वो जाकर, जो रूट्स हैं वो इतनी थिन हुई हैं और इतना अपने आप को अडेप्ट, मतलब अंदर तक, धरती के अंदर से वो, ताकि वो पानी को खींच सकें और पौधे तक पहुंचा सकें. तो रूट्स भी डीप इनसाइड द अर्थ सरफेस जाकर वाटर को लेकर आती हैं प्लांट के लिए, ताकि प्लांट जिंदा रहे. राइट, एंड जैसे कैक्टस का जो प्लांट है आपने देखा होगा, जो उसका स्टेम है वो बहुत ही थिक होता है. जो ग्रीन पार्ट है उसका, जो लीव्स जैसा दिखता है, वो बहुत ही थिक होता है और बहुत ही फ्लैशी होता है. वो फ्लैशी इसलिए होता है ताकि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सके. एंड जो प्लांट्स हैं वो अपने ऊपर एक लेयर वैक्स की, मोमबत्ती जिसको आप मोम यूज़ करते हैं, तो वो मोम एक वैक्स की अपने ऊपर एक लेयर जमा लेते हैं ताकि जो वाटर है उसका एवेपोरेशन कम से कम हो सके प्लांट से. और जो पत्तियां हैं, पत्तियों से भी, जो लीव्स होती हैं उनसे भी जब वाटर का एवेपोरेशन होता है, इसीलिए उन्होंने अपने प्लांट्स को, जो लीव्स हैं उनको भी अडाप्ट करके और वो कांटों के रूप में चेंज हो जाती हैं. तो इस तरह के प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पर जो डायग्राम है ऊपर उसमें देख रहे हैं, बैम्बू ट्री, अकेसिया. ठीक है, ये अकेसिया का जो प्लांट है, ये बैम्बू ट्री है. तो ये प्लांट्स ने भी अडेप्टेशन किया है. अकेसिया में आप देख पा रहे हैं कि उसकी जो
मॉइस्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लॉक कर सके, इसलिए उसकी जो लीव्स होती हैं वो अपने ऊपर एक वैक्स की लेयर जमा लेती हैं। एंड वैसे ही जो बैम्बू ट्रीज़ हैं, बैम्बू ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर सकते हैं। लगभग कभी कभी कुछ बैम्बू ट्रीज़ ऐसे भी होते हैं डेजर्ट्स में पाए जाने वाले, दिस वन ये कभी कभी इतना वाटर स्टोर कर लेते हैं, लगभग 1000 लीटर्स तक वाटर अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। बॉटल ट्री इज़ फाउंड इन द कलहारी डेजर्ट इन अफ्रीका। अफ्रीका के कलहारी डेजर्ट में बॉटल ट्रीज़ मिलते हैं। एंड इन द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स बॉटल ट्री मिलते हैं। ये बॉटल ट्री अपने अंदर वाटर का स्टोरेज करते हैं, वाटर 1000 लीटर तक वाटर ये स्टोर कर सकते हैं। एंड इनका जो शेप होता है, दे आर बैरल शेप्ड, ठीक है, इनकी जो शेप होती है वो बैरल की तरह होती है। बैरल मतलब जो पानी भरने की कैन आपके घर या जो बैरल्स आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कैंस होती हैं, उन्हें बैरल कहते हैं। तो बैरल शेप्ड हो जाते हैं, उनके जो ट्रंक हैं वो बैरल के शेप के हो जाते हैं, राइट। बिसाइड शर्ब्स प्रिकली पियर एंड डेजर्ट होली एंड ब्रिटल बुश एंड ऑल्सो फाउंड इन आर ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट रीजन्स। तो ये और भी कुछ जो शर्ब्स हैं, ये उनके नाम हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर और भी मिलते हैं। और इन सारे प्लांट्स को कहते हैं ज़ेरोफाइट्स। क्या कहते हैं? ज़ेरोफाइट्स। ये सारे प्लांट्स जो हाईएस्ट टेम्परेचर में, हॉट टेम्परेचर में भी अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, और ऐसे रीजन्स में पाए जाते हैं जो हॉट डेजर्ट्स में इजीली सर्वाइव कर सके, इन्हें ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। सो प्लांट लाइफ तो हमने देख ली, नाउ जस्ट कम टू द एनिमल लाइफ। The extreme weather of the desert imposes many limitations as far as supporting life is concerned. Some animals found in the desert are kangaroo, rat, jackrabbit, scorpion and lizards. The most important and useful animal found here is the camel, which is called the sheep of the desert. So in your earlier classes you might have learned this, ki camels are found in deserts and they are the best transport in deserts, and these are known as sheep of deserts. Camels are known as the sheep of the deserts. Aur iske alawa kon kon se animals hame wahan par dekhne milte hain, that is kangaroo, rat, jackrabbit, scorpion and lizards. They, because ye jo animals hain, they have adapted themselves to in a small little water, वो अपने आप को adapt कर सकते हैं, बहुत कम water में वो survive कर सकते हैं, and they can store the water in their body। और इसके अलावा जो मिट्टी में, जो वहाँ की रेत में जो moisture मिलता है, या जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो juice होता है, ठीक है, वो उनको भी eat करके उनके अंदर से जो water है उससे अपना काम चला सकते हैं, right? तो इस टाइप के जो एनिमल्स हैं ये डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। इट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स सच एज स्टोरिंग वाटर इन इट्स हम्प। जो कैमल का जो हम्प होता है, जो उसके ऊपर एक उभरा हुआ सा पार्ट होता है, आपने देखा होगा कैमल के ऊपर, तो उस हम्प के अंदर वो अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वाटर स्टोर कर सकते हैं। एंड सर्वाइविंग विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज, और बहुत दिनों तक बिना खाए पिए ये बहुत दिनों तक डेजर्ट में सर्वाइव कर सकते हैं। और जब भी उनको ज़रूरत होती है वाटर की, तो ये वाटर अपने हम्प से इनटेक कर लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट। तो जो कैमल होता है उसके लेग्स बहुत ही लॉन्ग होते हैं, एंड जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, गतिदार पैर होते हैं, विच हेल्प्स इट टू वॉक ईजीली ऑन द सैंड। तो जब आप चलते होंगे रेत के अंदर, तो आपने देखा होगा कि रेत के अंदर आपके पैर धंसते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पैडेड फीट कैमल के जो पैर हैं वो रेत पर आसानी से वो चल पाता है, यहाँ तक कि वो दौड़ भी सकता है उस सैंड के ऊपर। अ कैमल हैज़ थिक आई लैशेस, जो उसकी आँखों की जो लैशेस होती हैं, जो आँखों पे बाल होते होंगे, आपने देखा होगा लैशेस जिसे कहते हैं हम,
तो जो उसकी आईलैशेस होती है ये जो बहुत ही थिक होती हैं, ठीक है, और जो जिसकी वजह से जो सैंड है, जब भी रेत के तूफान होते हैं तो जो भी सैंड है वो उसकी आँखों में इजीली जा नहीं पाती है, विच स्टॉप्स द सैंड इजीली, विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम सैंडस्टोन्स, सैंडस्टोन जो आंधी आती है सैंड की उसके उस टाइम पे जो आँखों में चली जाएगी तो तकलीफ होगी, राइट, तो वो रेत के स्टोन्स के टाइम पे रेत को रोकने का काम उसके आई लैशेस करते हैं, दैट इज़ वाई ही कैन ईजिली सर्वाइव इन द डेजर्ट। इट हैज़ कुशनी लिप्स, उसके जो लिप्स होते हैं वो गद्दीदार कुशनी होते हैं, कुशन मीन्स तकिए, जिस तकिया कैसे आपका भरा हुआ होता है, तो लाइक दैट उसके जो लिप्स होते हैं वो बड़े और कुशनी होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं, उसके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, विच हेल्प्स इट टू ईट थोनी बुशेस एंड कैक्टस विदाउट हर्टिंग इट्सेल्फ। तो उसके मुंह में अगर वो कैक्टस भी खा ले तो उसके मुंह में वो जो कांटे हैं वो सारी चीज़ें जाएगी, मतलब उसे तकलीफ नहीं देगी, एंड दिस हेल्प्स दैट एनिमल टू सर्वाइव एट दैट कंडीशन एंड दैट प्लेस। सो अब हम प्लांट्स लाइफ देख चुके हैं, एनिमल्स लाइफ देख चुके हैं, ना ह्यूमन बीइंग्स कैसे रहते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमन बीइंग्स क्यों सर्वाइव करते हैं और कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि वो तो होते तो हमारे जैसे ही हैं, तो उनकी लाइफ के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, दैट आई विल टेल यू इन नाउ आई विल टेल यू। ह्यूमन लाइफ डेजर्ट्स हैज़ अ होलिस्टिक एनवायरमेंट डिस्पाइट दिस रिच कल्चर थ्राइव्स इन हॉट डेजर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल Bedouins, the inhabitants of North Africa and Arabia and the Tuaregs of Western Sahara have a vibrant culture tradition. Occupations of the people living in the desert region includes trading, farming, mining and animal rearing. People live in these deserts, keep sheep, goats, horses and camels. The inhabitants of desert often moves from one place to another in search of water, food and pasture for their cattle. So, जो लोग यहाँ पर रहते हैं ऐसे नहीं कि बहुत बुरी conditions हैं तो उनका कोई अपना culture नहीं होगा, they have very rich culture, और जो वहाँ लोग रहते हैं उनका, for example आपने राजस्थान के लोगों को देखा होगा, तो so that they are having a very rich culture, और वो लोग जो काम है उनका काम है वो mainly sheep, goats, horses और camels को पालते हैं, और खाने के लिए वो उन्हीं का मीट वगैरह यूज़ करते हैं, और एक सिंपल सी लाइफ लेकिन बहुत ही एक रिच कल्चर के साथ जीते हैं, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशंस अनाज कम उगता है, पानी कम है, इस वजह से अनाज कम उगता है, तो उसी टाइप का वेजिटेशंस, उसी टाइप के फूड्स वो लोग खाते हैं। इसके अलावा वो ट्रेडिंग का और भी दूसरे तरह के ऑक्यूपेशंस करते हैं, उनका क्या ट्रेडिंग है, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड को चलाते हैं, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। तो मेनली वो लोग जानवरों को पालने का काम करते हैं और जानवरों से ही वो अपना फूड भी लेते हैं, राइट। तो वाटर जहाँ, और वो रहते ऐसी जगह हैं, वो ज़्यादातर घूमते रहते हैं, मतलब थोड़े समय एक प्लेस पे रहते हैं, बाद में दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड, और जहाँ पे उनके कैटल्स के लिए वहाँ उनको ग्रास मिल सके, प्रॉपर फूड मिल सके, ऐसी जगह पे वो लोग हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन डेजर्ट, तो ये पैसा कमाने के लिए उन लोगों के पास क्या है, राइट। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो लोग पैसा उनकी लाइफ में कैसे आता है, कैसे उन लोगों को उनकी इकोनॉमिक लाइफ चल रही है, राइट। तो ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, अपना सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचना, ये उनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन डेजर्ट। दे ट्रेड द रग्स का मतलब होता है जो आप बोरियाँ होती हैं, टाट होती है, राइट। तो वो जो बोरी, जो रग्स होते हैं, वो चीज़ें वो बेचने का काम करते हैं। डेट्स जो खजूर होते हैं, ठीक है, आपने खाए होंगे अपने घरों में, तो वहाँ पर खजूर के पेड़ आपने ज़्यादातर डेजर्ट में देखा होगा, तो खजूर के पेड़ आसानी से खजूर अवेलेबल होते हैं, तो वो खजूर सप्लाई करने का काम करते हैं, उन्हें बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं उसकी। फूड ग्रेन्स, जो भी तरह के वहाँ पे फूड ग्रेन्स उगते हैं, वहाँ पे
स्पेशली इस टाइप के फूड ग्रेन्स उगते हैं जिसमें कम से कम पानी यूज़ हो सके, जैसे बाजरा है, ज्वार है, इस टाइप के ग्रेन्स वो उगाते हैं, इनकी खेती करते हैं डेफिनेटली, और वो फिर उन फूड ग्रेन्स को दूसरे सिटीज़ में जो उनके नियर बाय सिटीज़ हैं वहाँ पर ले जाकर बेचते हैं। इसके अलावा फूड ग्रेन्स के अलावा उनका वो वीविंग का काम करते हैं, उनके घर की औरतें वीविंग का काम करती हैं, जो कारपेट्स बनाने का काम होता है ये काम करते हैं, और कारपेट्स वगैरह भी वो सेल करते हैं अपने नियर बाय प्लेसेस में जाकर। ट्रेडिंग इज़ डन ऑन कैमल्स बैक, तो कैमल अपने और ट्रेडिंग, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह तो अवेलेबल आसानी से रेत में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो ज़्यादातर वो कैमल का यूज़ करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, और कैमल के ऊपर वो अपना सारा सामान लाद देते हैं और फिर वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर गुड्स, तो जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते हैं वो अपना सामान के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपना सामान बेचते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फार्मिंग। तो जो डेजर्ट में पीपल होते हैं वो फार्मिंग भी करते हैं, जहाँ जहाँ वाटर अवेलेबल होता है, भले ही कम अवेलेबल हो, तो वो ऐसी ही फसलें लगाते हैं जिनमें पानी कम से कम खर्च हो और पानी कम लगे, ऐसी ही वो फसलें उगाते हैं। तो फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस नियर द पैचेस ऑफ वाटर, जहाँ पर भी बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे गड्ढे बन जाते हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहीं जो फर्टाइल जो लैंड होता है उसी में वो लोग उसी के नियर में पास में ही वो फार्मिंग करना शुरू कर देते हैं। पैचेस ऑफ वाटर कॉल्ड एंड ऑइसिस, तो इन जो वाटर के पैचेस को और जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, थोड़ा ही पानी अवेलेबल होता है, दैट प्लेस इज़ नोन एज ऑइसिस। इन समर्स क्रॉप सच एज राइस, जो समर में उगाने वाली क्रॉप्स हैं वो हैं राइस, मिल्स एंड मेज आर ग्रोन, और विंटर्स में लगाने वाली क्रॉप्स हैं वीट, बाले, बीन्स, लिंटेल्स आर ग्रोन्स, ठीक है। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो लगाते हैं। डेट पाम इज़ द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड इन द डेजर्ट, तो जो खजूर वाले जो पेड़ होते हैं पाम ट्रीज, डेट पाम्स, वो वहाँ पर बहुत ही कॉमन होते हैं और सबसे ज़्यादा वहाँ इन्हीं चीज़ों को वो तोड़कर बेचते हैं, बेचने का काम करते हैं। डेजर्ट फार्मिंग हैज़ ओनली बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू द मॉडर्न मैथड्स ऑफ इरीगेशन, तो डेजर्ट में जो फार्मिंग हो रही है वो जो पुरानी मैथड्स है उनसे तो फार्मिंग हो नहीं पाती थी, तो मैथड जो आज उन्होंने मॉडर्न इरीगेशन की कुछ मैथड्स को यूज़ किया है जिससे वो उनके लिए फार्मिंग करना और भी आसान हो गया है। द इम्पीरियल वैली इन California, some parts of Australia, Israel, Africa, Eastern Sahara and Thar Desert of India are good examples of desert where dry farming is practiced. तो ये सारी places हैं जहाँ पर dry farming को practice किया जाता है, लोग dry farming कर रहे हैं, मतलब कम पानी में ज़्यादा फसल कैसे उगाई जाती है ये कुछ training लेके लोग कर रहे हैं। Now here we are having some questions, so I will provide you the answers in the next next class and the next topic. Let's move to the next topic. Apart from the farming, they are usually doing the mining work. Mining means जमीन से खोद कर चीज़ों को निकालना, right? तो mining is another important activity practiced in some deserts. Minerals like gold, silver, uranium deposits beside iron and lead and zinc ore have been found in the Great Australian Desert. तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया में जो है सर्वाइव करता है, वहाँ पर माइनिंग एक मेन जो ऑक्यूपेशन है जो प्रैक्टिस किया जाता है। तो माइनिंग में जब वहाँ पर डेजर्ट्स में खुदाई होती है तो वहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम कई जगह पर मिल जाता है। इसके अलावा कई जैसे आयरन है, लेड है, जिंक के और भी वहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग माइनिंग में माइनिंग का काम बहुत करते हैं उस एरिया में। द सहारा डेजर्ट इज़ रिच इन कॉपर, जो सहारा डेजर्ट है उसमें कॉपर, पेट्रोलियम, आयरन ओर एंड नेचुरल गैसेस बहुत मिलती हैं, इसलिए वहाँ पर। हाउएवर द हार्श क्लाइमेट मेक्स
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज आर चैलेंज. तो लेकिन वहाँ पर इतनी ओर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती तो हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे आंधी तूफान आते रहते हैं जिसमें हवा और रेत को अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं, और ये जो रेत है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए इससे लड़ पाना. और फिर भी वो लोग कई मॉडर्न मेथड्स को अपनाते हैं और माइनिंग का काम वहाँ पर आसानी से बहुत अच्छी तरह हो रहा है. नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, मॉडर्न लाइफ इन द हॉट डेजर्ट. सो मॉडर्न लाइफ आज के टाइम पे जब सारी दुनिया इंटरनेट 4G इन सब में 4G से 5G की तरफ आगे बढ़ रही है, तो मॉडर्न लाइफ डेजर्ट्स में कैसे पॉसिबल है. इन मॉडर्न टाइम्स पीपल हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द हॉट क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट इन द फॉलोइंग वेज. तो लोगों ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, रहना सीख लिया, अपने आप को बदल लिया है डेजर्ट के हिसाब से, क्योंकि डेजर्ट तो कभी नहीं बदलने वाला है. तो लोगों ने अपनी आदतों को, अपने तरीकों को बदल लिया है. तो कैसे बदला है, इन दीज फॉलोइंग पॉइंट्स वी विल लर्न. विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पीपल इन डेजर्ट हैव स्टार्टेड यूजिंग एडवांस्ड इरीगेशन सिस्टम टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्टोरेज. तो एडवांस जो मेथड्स आ गई है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे लोगों ने सीख लिया है कि इरीगेशन के लिए, खेती करने के लिए उन्हें जब पानी की प्रॉब्लम आती है, पानी का शॉर्टेज हो जाता है, तो उन्हें एडवांस मेथड से कैसे पानी को स्टोर करना है और पूरे साल भर अपने खेत के लिए कैसे उसे यूज़ करना है. Through the methods of distillation, salty water is processed into potable water. It is particularly done in Australia as it is an expensive method. It is not popular yet. तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होने लगा है कि खारा पानी अवेलेबल हो जाता है, खारा पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए लोगों ने खारे पानी को मीठा पानी बनाने के लिए, जो पानी पोटेबल वाटर है जिसे पी सकते हैं या दूसरे कामों में ले सकते हैं, जो सॉल्टी सी वाटर होता है उस टाइप के वाटर को नहीं ले सकते हैं, है ना, पीने के लिए काम में या दूसरे कामों में, तो उसको लोगों ने ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उस वाटर को अच्छे वाटर में, पीने लायक पोटेबल वाटर में उन्होंने चेंज करने की मेथड सीखी है. लेकिन ये जो मेथड है जो ऑस्ट्रेलिया में यूज़ की जा रही है, खारे पानी को अच्छा पानी बनाने की मेथड, ये बहुत ही महंगी है, इसीलिए ये मेथड अभी तक इतनी पॉपुलर नहीं हुई है. सम पीपल इन द डेजर्ट, थर्ड पॉइंट इज, सम पीपल इन द डेजर्ट स्टिल यूज कैमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. टुडे मैनी डेजर्ट्स आर ऑयल रिच एरियाज एज पीपल कैन अफोर्ड मोटर व्हीकल्स, दस फ्लाईओवर्स एंड रोड्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन मैनी डेजर्ट सिटीज टू मेक ट्रैवल्स ईजी एंड कम्फर्टेबल. सो डेजर्ट्स में आपने देखा होगा कि तेल के कुएँ, तेल बहुत है ज़मीन में, वहाँ पर तेल बहुत आसानी से मिल जाता है. तो इन एरियाज़ में आसानी से तेल है, तो तेल सस्ता है, तेल इन द सेंस पेट्रोलियम की बात कर रही हूँ मैं. सो पेट्रोलियम इज़ वेरी, मतलब इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, इसके लिए वहाँ पर लोग आराम से मोटर व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जबकि आज भी कैमल्स का यूज़ करते हैं लोग, लेकिन मोटर व्हीकल्स भी जो मॉडर्न ज़माने के अफोर्डेबल मोटर्स हैं बहुत सारी बना ली गई हैं जो डेजर्ट में आसानी से ईजिली मूव कर सकती हैं. तो इसलिए वहाँ पर डेजर्ट में ना ट्रैवल करके लोगों ने फ्लाईओवर्स और रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं, ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह डेजर्ट में भी आसानी से जा सकें. डेजर्ट का एक बहुत अच्छा एग्जांपल दुबई है. दुबई में आपने देखा होगा कितना ज़्यादा, मतलब बहुत बड़ा डेजर्ट है जिस पे दुबई सेटल्ड है, दुबई जहाँ है वो एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, लेकिन सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस, होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ी वहीं है, और बहुत लोग दुबई घूमने जाते हैं, और वहाँ पर बहुत ही, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही इजी और रिच बना लिया है. सो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. सो दैट इज़ ऑल, एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द टॉपिक. आई विल सेंड यू द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीक. थैंक यू सो मच.